कश्मीर के रण की। तीनों चरणों में शांतिपूर्ण सभी 90 सीटों पर मतदान 1 तारीख को पूरा हो चुका है जम्मू कश्मीर में। बड़ा सवाल यही है कि 8 अक्टूबर को जब मतगणना यानी कि काउंटिंग होगी तो जनता के दिल में किसका राज होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और 2014 के विधानसभा चुनाव से ये थोड़ा सा अलग भी है। पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 87 यानी कि 87 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें लद्दाख की 4 सीटें भी थी। धारा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गया और जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ तो 7 सीटें वहां पर जुड़ गई। इसमें 6 सीटें जम्मू की और 1 सीट कश्मीर की है। अब 90 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। अब कश्मीर क्षेत्र में 46 की जगह 47 सीटें हैं तो जम्मू में 37 की जगह 43 सीटें। एक दशक के बाद हुए इस विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए, वादे किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन किया तो वहीं बीजेपी और पीडीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं और ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर के रण में अब किसको जम्मू कश्मीर की सत्ता मिलेगी, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला होगा 8 तारीख को। आज हरियाणा में अभी इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी तरह का कोई आंकड़ा, कोई एग्जिट पोल आपके सामने लेकर नहीं आया, कोई डिटेल्स, कोई आंकड़ा मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। सिर्फ एक राय जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी के नेता भी होंगे, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी होंगे, मेरे साथ वो पत्रकार भी होंगे जो कि जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अजय जांडियाल और आशिक मीर भी जुड़ेंगे जो इस पूरे इलेक्शन के दौरान, जो 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसके दौरान जगह जगह घूमे, पब्लिक की नस को जाना, लोगों से बातचीत की, जो पूरा वोटिंग था उसको कवर किया, वो भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सिर्फ ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया और अब क्या नतीजा जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को प्रभावित किया है। मेरे साथ जो खास मेहमान है मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ पैनल में एस एन सिंह साहब हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। तौसीफ शाह साहब पीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस वक्त साथ में हैं। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। रशपाल दास गोत्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर की नस नस पहचानते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। और विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं अजय जांडियाल और आशिक मीर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, नतीजे 8 को आने हैं लेकिन 3 फेजेस आपने बहुत बारीकी से कवर किए, क्या मन आपने पढ़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को और कितना इंतजार है जम्मू कश्मीर के लोगों को? आई एम श्योर कि बहुत बेसब्री से वो इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में। देखिए रोहित, जो मुझे समझ आया है जो 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हुई हैं। 2014 और 2024 के जो चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। फर्क इसलिए नहीं क्या होगा क्योंकि 90 सीटें बड़ी हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होने के बाद, मगर जो सियासी समीकरण रहेंगे वो इस बार भी लगभग वैसे रहेंगे जो 2014 में थे। हालांकि सिर्फ पार्टी बदल सकती है। पिछली बार 2014 में पीडीपी ने 28 सीटें हासिल की थी और 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी और कुछ निर्दलीय जो उनके बागी हो गए थे वो वापस इनके साथ जुड़े और वो आंकड़ा बना, उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई। इस बार गठबंधन कौन बनाएगा ये तो हम नहीं कहेंगे, मगर जिस तरीके से इस बार सीटें मिलने जा रही हैं, जो आंकलन हम लगा पा रहे हैं, नंबर हालांकि हम बता नहीं सकते अभी बिल्कुल, मगर वो नंबर जो है वो पीडीपी की जगह इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है और यहाँ बीजेपी अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस थी उसी के आसपास जो है वो रह सकती है। ये जो हमारे आंकड़े हैं इसके मुताबिक अब चीजें होंगी क्या, आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमारी तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एलजी के जरिए 5 जो नॉमिनेटेड विधायक यहाँ पे होते हैं, पहले 2 होते थे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद वो 5 हो गए, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित और 1 जो पीओके रिफ्यूजी है उनमें से एक बनाया जाएगा, उनका नंबर जो है वो 5 पहले से उनको तय कर लिया जाएगा, उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि वो सीधे बीजेपी के खेमे में ऐड हो जाएंगे। उसी चीज का वो विरोध कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है,
और करा ने जो वर्ड इस्तेमाल किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिगिंग करने जा रहे हैं, ये इल्जाम बीजेपी पे लगाया है, मगर उससे कहीं ना कहीं फायदा सीधा बीजेपी को हो जाएगा। और नंबर गेम जो यहाँ पे चाहिए, 45 का जो आंकड़ा है, 90 सीटों में 45 जो जिसके पास विधायक होंगे वो सरकार बना सकता है, मगर ये 5 ऐड होने के बाद वो 48 हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर 48 करने हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर पुराने हिसाब से भी चलें तो जो नंबर उनके पास आएगा वो 5 ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी उनको जो अलायंस ऑफ पार्टनर अपने ढूंढने हैं, जो पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग आ सकते हैं, वो कौन होंगे वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिछली बार गठबंधन हुआ था। अगर उस वक्त पीडीपी जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल कहे जाते थे उसमें गठबंधन हो गया, तो इस बार भी कई निर्दलीय कई ऐसे हो सकते हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के पास नंबर होगा, एनसी कांग्रेस और करा ने भी ये कहा। बिल्कुल, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि पोस्ट पोल तो प्री पोल तो हमने देख लिया, लेकिन पोस्ट पोल बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पोस्ट रिजल्ट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सारा एक्शन बाकी है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, आई एम श्योर। मेरे साथ इस वक्त आशिक मीर भी हैं जो घाटी से इस वक्त हैं, श्रीनगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आशिक, आपकी लगातार बात होती रही लोगों से इस दौरान जब आप चुनाव को कवरेज कर रहे थे, घाटी के लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर, जो नेता हैं घाटी के उनके बीच किस तरह की बात हो रही है इस चुनाव को लेकर? देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और लोगों में भी काफी जोश और जज्बा देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज की जहां तक बात आती है तो 2014 के मुकाबले में आज जो है हमने लोगों की तादाद काफी ज्यादा देखी, और 60% उन इलाकों में वोट पड़े जहां पर आतंक का असर रहता था, डर और खौफ रहता था, लेकिन उन इलाकों में भी वोटिंग जो है देखने को मिली। साफ तौर पर ये जाहिर होता है जब हमने लोगों से भी बात की तो सबसे बड़े मुद्दे जो यहाँ पर रोजगार को लेकर थे, डेवलपमेंट को लेकर थे, यानी हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर आज वो वोट डालने के लिए निकले हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की खास तौर पर बात करें, जितने भी कैंडिडेट लोगों के बीच जाते थे तो हर एक यही चीज वादा करता था कि आपके लिए डेवलपमेंटल काम करेंगे। साथ साथ अगर कुछ रीजनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र बार बार किया जा रहा था। कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने आज भी 370 का नारा दिया, लेकिन जब आवाम के बीच में हम गए तो 370 का जिक्र कोई आम इंसान नहीं कर रहा था। आम इंसान सिर्फ डेवलपमेंट और रोजगार के लिए इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए आए, तो ये सबसे बड़ी चेंज है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की तादाद जिस हिसाब से इलेक्शंस में देखने को मिली वो काबिल तारीफ है, और खास तौर पर जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में हालात भी सामान्य रहे तो इन हालातों के बीच इस तरह के चुनाव करना एक बड़ी बात है। जी रोहित, ठीक है, मैं अब अपने जो पैनल में गेस्ट हैं उनके पास चल रहा हूँ, एक एक करके सबके पास चलूंगा। एस एन सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिंह साहब, पिछली बार की जो डिटेल्स है वो मैं लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, पिछला चुनाव से ये चुनाव कैसे आप मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए डिफरेंट होने वाला है? ऐसी क्या चीज़ें आपकी थी जिस पर आप लोग लगातार ये दावा करते रहे कि नहीं, जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा? देखिए दो चीजें, एक तो आपके रिपोर्टर अभी मीर साहब जो दिखा रहे थे, अब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने जो बताया बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि हम जब आम आदमी के बीच में गए तो जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी कि 370 जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको वापस ले आ देंगे, उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 समाप्त करके जो कार्य किया, जो हम बुनियादी ढांचे में विकास किया, उससे लोग प्रभावित थे। और आपके ही रिपोर्टर ने बताया कि पहले जहां घाटी में आतंकवाद होता था, जहां लोग चुनाव में मत करने निकलते ही नहीं थे, वहां भी 63% 64% वोटिंग हुई है, तो लोगों में जो भय था वो समाप्त हुआ है और विकास के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जब वहां पे पत्थरबाजी कम हुई, जब 2 करोड़ पर्यटक आए तो निश्चित तौर पर वहीं के लोगों का विकास होगा, वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। 40 साल से लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, 400 फिल्मों की शूटिंग हो रही है, बनिहाल तक ट्रेनें जा रही हैं, जिन गांव में बिजली थी नहीं उन गांवों को बिजली दिया जा रहा है, 3 लाख आवास दिए जा रहे हैं, जो सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो रहा था। तो विकास एक ऐसी बात थी कि एक कहावत है, कई सादे सब सदे सब सादे सब जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास को साधा, सब लोगों के बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो उनको लगा कि भाई
हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पत्थर पकड़ने से क्या होगा? तो ऐसे बदलाव के नाते जम्मू कश्मीर के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि कमोबेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वहां पे लोगों ने मतदान किया, क्योंकि कोई ये नहीं जान रहा था कि घाटी में सुदूर कई सड़कों का निर्माण हो पाएगा, कई 8-8 किलोमीटर की सुरंगें बन पाएंगी। ऐसा गांव जहां से कोई आदमी नीचे उतरता था आधे दिन लग जाते थे नीचे उतरने में, फिर आधे दिन लग जाते थे वापस जाने में, वहां पे भी अगर पानी की व्यवस्था की गई है, और कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो सबके लिए 5 लाख रुपया। तो हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गरीबों के लिए 10 लाख रुपए मुफ्त में हम दवा का देंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिससे लोग मुख्य धारा से जुड़े। जब मुख्य धारा से जुड़े तो जो ऐसी ताकतें थी जो उनको बरकरार के रखती थी, ऐसी परिवारवादी ताकतें थी, उससे लोग बाहर आए। और भारतीय जनता पार्टी के कालखंड को भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है तो कैसे अर्थव्यवस्था बन रही है, कैसे बुनियादी ढांचे में विकास हो रहा है, कैसे सड़कों का जाल बिछ रहा है, कैसे 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, और जो आवास है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा रहा है। तो ये सबके दिल में रच बस गया और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ठीक है, ये विजय कौशिक जी, ये उस 370 की भी परीक्षा है ये जो चुनाव है, क्योंकि 370 एक ऐसा इशू था जो बड़ा कॉमन था। बीजेपी कहती है कि हम 370 को वापस नहीं आने देंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो कश्मीर की पार्टियां वो कहती हैं, इस बात की वकालत करती हैं कि हम आए तो 370 को अपने साथ लेकर आएंगे। तो ये इस बात का भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है कि पब्लिक 370 पर किसके दावे को सही मानती है इस बार। देखिए, मुद्दा धारा 370 को लेकर ना कुछ था, ना है, ना होगा। मुद्दा ये था कि 370 जब तक लागू थी तब तक कश्मीर के लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ या बाद में ज़्यादा फायदा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तो वहाँ पर दिखा दिया है कि जिस तरह से इन्होंने देश के अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, इसी तरह से 370 हटाने के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की है। लद्दाख का मामला भी हमारे सामने है जहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी कल परसों तक जेल में ही थे, दिल्ली की जेल में, और बाद में उन्हें रिहा किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वहाँ पर चुनावों से इतने लंबे समय तक क्यों भागती गई रही, अगर इन्होंने वहाँ पर हालात अच्छे कर दिए थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने घाटी के अंदर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में भी केवल तोड़फोड़ और बंटवारे की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने की है, इसलिए वहाँ की जनता इनको ज़बरदस्त जवाब देने जा रही है। जिस तरह हरियाणा में इन्हें जवाब मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ इन्हें वहाँ पर अपने कुकर्मों का भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था, उन्होंने कहा था कि धारा 370 को केवल इसलिए हटाया गया क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड और लिथियम की खाने हैं, भाजपा उन्हें अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करना चाहती है, अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती है, इसलिए 370 को हटाया गया। वरना तो जिस तरह का विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर का था, इस तरह हिमाचल का भी है, नागालैंड का भी है, कई अन्य प्रदेशों का भी है, लेकिन असली खेल वहाँ पर गोल्ड माइंस और लिथियम की खानों का था, और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता इन्हें जवाब देगी। ठीक है, जवाब तो अब कैद हो चुका है ईवीएम में, और नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तब पता चलेगा कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं रशपाल जी के पास चल रहा हूँ। रशपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर की मुद्दों को, इश्यूज को अच्छी तरीके से समझते हैं। सर, क्या वो इश्यूज आप मानते हैं इस बार ऐसे रहे जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में, जिसको लेकर उन्होंने वोट किया होगा और अब नतीजों का हमको इंतजार है? क्या 370 रहा होगा उनके दिमाग में? आतंकवाद, बेरोजगारी, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी डिबेट्स भी हुई थी चुनाव से पहले। आपको ऐसे क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े इश्यूज रहे जिन्होंने जेएनके के चुनाव को प्रभावित किया होगा? देखिए, मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये रही है, 370 का जो एब्रोगेशन होना, ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट जम्मू रीजन में नहीं कर पाया है। ये एक मुद्दा भी ठीक है, डिस्कशन में रहा, लेकिन लोगों को इस पे
इसकी वजह से ज्यादा उन्होंने वोट नहीं किया। वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज हुई है, जो पॉलिसीज थी बीजेपी की, जैसे कि जो इन्होंने हेल्थ के रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दो इश्यूज हैं जो बीजेपी के फेवर में गए हैं। एक और वहां पे जबरदस्त इस बार चीज हुई है, जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज थे उनको जो वोटिंग राइट मिला है, वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट रहेगा बीजेपी के लिए। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये जो इलेक्शंस हुई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस, उसमें ये है कि तुम मर्जी कहो परसेंटेज डाउन है, इसमें 3.7% इस बार कम वोटिंग हुई है। इस बार वोटिंग परसेंटेज 62.79% है, जो पिछली बार 65.9% थी। तो वोटिंग परसेंटेज डाउन जाना, जम्मू में जो है इश्यूज कुछ हैं और कश्मीर में कुछ और इश्यूज हैं, और इन दो डिविजन्स में जो इस बार रिजल्ट्स मेरे हिसाब से होंगे वो बहुत सरप्राइजिंग होंगे सभी पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिए। कांग्रेस के लिए इस बार एक नेगेटिव पॉइंट जरूर था, क्योंकि जो पिछली इलेक्शन थी उसमें गुलाम नबी आजाद साहब उन्होंने जो रोल प्ले किया था, इस बार उनका वो रोल नहीं रहा है, लेकिन उनकी जो पार्टी है उसने वहां पे कंटेस्ट किया है। कहीं ना कहीं ये जो है वो के फेवर में नहीं रहेगा कांग्रेस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो फाइट है उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन में इंडिपेंडेंस जो वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं उनका कुछ नंबर कुछ ज्यादा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी देखा जाए तो 5 जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट निकल के आए थे, और जबकि पीडीपी का नंबर काफी ज्यादा था। और उससे पहले जो इलेक्शन हुई थी उसमें जम्मू रीजन में कांग्रेस ने डोमिनेट किया था, बीजेपी के पास इतनी सीट्स नहीं थी। तो इस बार किस तरीके से रिजल्ट आएंगे कुछ कहना मुश्किल है, बट ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस बार जो रिजल्ट होंगे वो सभी पार्टी सरप्राइज कर देंगे। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद का रिजल्ट जो है कश्मीर वैली में एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है लोकसभा इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं ये काफी अनएक्सपेक्टेड रहेंगे पार्टीज के हिसाब से, और देखना पड़ेगा कि किसको कितना परसेंटेज मिलता है। पर एक इस क्लियर है कि बीजेपी को डेफिनेटली एक एज मिल रहा है जम्मू में, और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एक अलायंस है उसको एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है ठीक है, यानी कि मैं इसी सवाल को लेकर मैं सुशील वकील जी के पास चलूँगा। सुशील जी, जो अभी रशपाल जी ने कहा उनके मुताबिक जो इंडिपेंडेंट्स हैं या जो छोटे दल हैं जैसे रशीद इंजीनियर का रहा हो, सज्जाद लोन, क्या इनकी भूमिका आप देख रहे हैं कि इस बार इम्पॉर्टेंट हो सकती है जब रिजल्ट आएंगे? एक एक ये सरप्राइज एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या इंडिपेंडेंट्स और ये छोटी पार्टियाँ? देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ ये चीज कि जिस बार जो इलेक्शन होंगे, जैसे यशपाल जी ने कहा था, सरप्राइजिंग इलेक्शन रहेंगे। स्थिति ऐसी है कि कोई इस टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कौन पार्टी आगे जा रही है कौन नहीं जा रही है। फैक्ट ये चीज है कि जम्मू का जो रीजन है बीजेपी ने हद से ज्यादा पोलराइज किया, और जम्मू के पोजिशन जम्मू बीजेपी की अच्छी हो सकती है, लेकिन जम्मू में उनका एक बड़ा सेटबैक रहा, क्योंकि जम्मू के लोग जो है वो इस बार थोड़े परेशान से दिख रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा यहाँ कारोबार कुछ नहीं है, दरबार में इन्होंने बंद कर दिया, बाकी चीज़ें वो ओवरऑल जो वहाँ के लोग वो सिचुएशन ही देख रहे हैं कि इंडिया ने कितनी जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट वगैरह की। उनका इसलिए रोष है क्योंकि पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में रेल अड्डा होता था, अगर कश्मीर टूरिस्टों को जाना होता था वो पहले जम्मू में रुकते थे, उसके बाद आगे बसों वगैरह टैक्सी में जाते थे। ऐसे ही था जैसे ये दरबार में है, दरबार में लोग आते थे कश्मीर से 6 महीने के लिए, हालांकि जब 6 महीने और होते थे तो जम्मू से जो लोग एम्प्लॉय थे वो भी तो कश्मीर जाते थे, लेकिन ये भी है कि जम्मू के लोग जो कश्मीर जाते थे बहुत कम परसेंटेज थी, जो कश्मीर से जम्मू आते थे उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती थी। अब थोड़ा बहुत जम्मू में देखा गया कुछ लोगों में ऐसा रोष है, जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि बीजेपी की इस बार मैक्सिमम सीटें जम्मू से निकलेगी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पहले ग्राउंड में लग रहा था। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बड़ा वीक विकेट पे था,
क्योंकि कश्मीर के लोग इनको समझते थे कि फैमिली राज चला रहे हैं, कि बहुत सालों से हमें बर्बाद किया कश्मीरी लोगों को। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अमित शाह जी ने वहाँ से जम्मू में बड़े भाषण दिए कि हम 370 के लोग किसी का बाप भी नहीं हटा सकता, या मोदी जी के भाषण देने की इस बार जम्मू का अगर ये हो गया तो जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, पहली बार हिस्टोरिकल इलेक्शन रहेगा, उसकी वजह से क्या हो गया, जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने इस हद तक वहाँ वोटिंग की क्योंकि उसका जो फायदा मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा और कांग्रेस के भी जम्मू में कुछ ना कुछ, यानी कि ये जो नतीजा है ये भी रीजन वाइज बटा हुआ आएगा। आप ये कह रहे हैं कि जम्मू का अलग और कश्मीर रीजन का अलग, ये इस टाइम ऐसा चल रहा है, ये जम्मू वर्सेस कश्मीर बन गया। ओके ओके। इसमें क्या चीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले इतना स्ट्रांग नहीं था तो इस वजह से थोड़ा बहुत वो स्ट्रांग हो गया कि कश्मीरी लोग जो है ना उन्होंने भी ये फैसला कर दिया कि अगर जम्मू में ऐसा हो रहा तो हम कश्मीर में ऐसा क्यों न करें। अब रही बात जो इंजीनियर रशीद की, रशीद की मेरे को लग रहा है कि कोई सीट निकलने नहीं निकल रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा अगर निकलेंगे जो उसका भाई लग रहा है वो उसके चांसेस बनते हैं, और दूसरा ये जो अपना सजाद लोन जी है उसके चांसेस बनते हैं, और दूसरा वो जो शर्जील है वो अपना पिछले सेपरेटिस्ट रह चुका है उसके वीरवार में चांसेस बनते हैं। लेकिन जो इंजीनियर जी जो लोकसभा में जीते वो इसलिए जीते कि उनके बेटों ने क्या किया, उनके बेटों ने लोगों को ऐसा इमोशनल कार्ड खेला, अगर आप लोग उसको वोट नहीं देंगे उसको जेल सजा होगी, फांसी होगी, ये चीज होगी, उस वजह से उस टाइम उसको इमोशनल वोट पड़ गया। लेकिन इस टाइम से ये जो अपना इंजीनियर रशीद है उसकी पार्टी की बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि जो उसने पहले कह दिया कि बीजेपी का या थोड़ा फेवर के हिसाब में उसने भाषण वगैरह दे दिया, लोगों ने उसका पीछा या लोगों ने उसका उसे पीछा छोड़े छोटा थोड़ा बहुत, इसलिए जो कश्मीर की स्थिति है वो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के फेवर में जा रही है। अब रही पीडीपी की बात, पीडीपी भी कम से कम 4-5 सीटें तो ले लेगा, अब वो भी बात करेगी अगर ये उनका महबूबा जी अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में कुछ सीटें मिल रही है और उसके बाद उनको कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी, इस बात को प्रेफर करेगी उनके साथ जाने के लिए। ठीक है मैं तौसीफ शाह जी के पास चल रहा हूँ, पीडीपी के नेता हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। तौसीफ शाह जी, आखिरी चरण के चुनाव से पहले नसरल्ला को शहीद कह के बड़ी सुर्खियां बटोरी महबूबा मुफ्ती जी ने भी, आपकी पार्टी ने भी, अब नतीजे भी वही सुर्खियां दिलाएंगे क्या? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये दोबारा नसरल्ला साहब खींच के लहरे आने हैं इसमें, ये या तो एग्जिट पोल रहेगा या तो नसरल्ला का डिबेट रहेगा। अगर आप ये कहें तो यहाँ पर जब नसरल्ला की डेथ हुई तो तब 6 या 7 सीटें श्रीनगर से थी, तो मुझे नहीं लगता 6 या 7 सीटों से कोई गवर्नमेंट बनती है या बिगड़ती है। दूसरा, मैं इसको कट शॉर्ट करके, मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता जो सिंह साहब ने जो बताया तो मैं उनका सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने मतलब वो तारीफों के पुल बांधे, बहुत बहुत सारे तारीफों के पुल बांधे, तो मुझे तो लगता है फिर बीजेपी की 90 में से मेरे ख्याल से 85 सीटें आनी चाहिए। तो और दूसरा, 5 सीटें तो नॉमिनेटेड हैं ही इनके पास, वो इनकी जेब में है, तो इनके पास तो 90 सीटें होनी चाहिए पूरी। देखिए इसमें आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे मेरे सुशील साहब ने भी अभी बोला, जैसे सुशील वकील साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुशील वकील साहब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं ये जा रहा हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, क्योंकि हमने ग्राउंड पर कैंपेनिंग की है, जम्मू में भी की है, श्रीनगर में भी की है, गाँव शहर सब जगह की है, ये जो पिछला महीना गया, तो मैं इसमें आपको यही बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हम गए, हाँ, लोगों के अंदर गुस्सा है कि 370 को क्यों हटाया गया। देखिए सबसे जो जिसका नुकसान सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो जम्मू रीजन को ही हुआ। जम्मू रीजन में अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मुझे दिखाई कि श्रीनगर में यहाँ कौन प्रॉपर्टी खरीदने आया, हमारी जिसने भी प्रॉपर्टी ली है, जो भी नुकसान 370 के हटने से हुआ है वो जम्मू में ही हो रहा है। जैसे हम देख रहे थे कि वहाँ पहले जो चोपर पट्टियाँ तो यहाँ पे श्रीनगर में भी थोड़ी थोड़ी होती है समर्स में, तो वहाँ तो मौसम क्योंकि ठीक है तो वहाँ जम्मू में बहुत सारी चोपर पट्टियाँ हैं और वो चोपर पट्टियाँ भी परमानेंट होने लग रही है, जिसमें वो उनको बोल रहे हैं कि भाई अब तो 370 हट गया, अब तो हम यहाँ पर अपना पक्का मकान बनाएंगे, तो वो जम्मू के लिए नुकसान है। दूसरा, जो दरबार मुंह बंद हुआ वो भी आपको ये बिल्कुल कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि दरबार मुंह की वजह से, वो बिल्कुल सुशील जी ने सही बताया कि दरबार मुंह की वजह से जैसे लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे तो आपस में बिजनेस भी बढ़ता था,
और विंटर्स आपको पता है यहाँ हार्श होते हैं, तो यहाँ विंटर हॉलीडेज भी होती हैं स्कूल्स वगैरह में, तो फैमिलीज ही शिफ्ट होती थी। समर में जम्मू के लोग यहाँ ज़्यादा नहीं आते थे बिकॉज स्कूल्स खुले होते हैं, तो यहाँ स्कूल्स बंद हो जाते हैं हमारे 2-3 महीने। तो जी क्या होता था कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जम्मू श्रीनगर की मदद करता था और श्रीनगर जम्मू की मदद करता था दरबारों के टाइम पर। तो वो चीज़ें लोगों को पता है। अगर आपको एक ये एक स्पेसिफिक आंकड़ा अगर आपको पता होगा कि जैसे हम नॉन पेइंग अकाउंट्स बैंक्स में देखते हैं जिनके वो अपने लोन वगैरह होते हैं, तो वो अगर देखें तो हमारे पास जो नॉन पेइंग अकाउंट्स के जो रेशोज थे वो बहुत कम थे। मे बी श्रीनगर में ज़्यादा था, जम्मू में कम थे, बिकॉज जम्मू में यहाँ से बेहतर बिजनेस था। तो वो अगर आज की डेट में आप दफा 370 के बाद अगर आप यही आंकड़े दोबारा चेक करें तो जम्मू श्रीनगर से आगे निकल गया है नॉन पेइंग अकाउंट्स में, बिकॉज वहाँ बिजनेस बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है वहाँ बिजनेस। और दूसरा जो जैसे हम देखें कि जैसे मेरे बाकी भाइयों ने भी बताया कि ये मेन जो इसमें मेन मुद्दा जो इसमें रहेगा वो बेशक नौकरियों का भी है, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने इससे पहले भी अपने डिबेट में बोला है दफा 370 से पहले जो यहाँ पर हमारा क्या ये आतंकवाद और ये पत्थरबाजी ये इश्यूज नहीं थे? देखिए आतंकवाद बीजेपी ये दावा करती है बीजेपी, और जो आंकड़े वो ये भी बताते हैं कि भाई पत्थरबाजी तो रुक गई थी, तो क्या ये आतंकवाद और पत्थरबाजी कोई इशू नहीं था? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप क्या आप ये स्टैटिस्टिक्स पर बोल रहे हैं कि वो रुका है? जो ये सिर्फ उसने अपना ग्राउंड शिफ्ट किया है, वो श्रीनगर से जम्मू में आ गया। आप देखिए बीजेपी की नाकामी ये भी लोगों के जहन में है कि जहां आए दिन श्रीनगर में हमले हुआ करते थे वहां अब आप हर रोज सुबह व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप पर आप मैसेज देख रहे हैं, कभी बालाकोट में हो रहा है, कभी पुंछ में हो रहा है, कभी रजौरी में हो रहा है, कभी उधमपुर में हो रहा है, कभी कठुआ में हो रहा है, कहीं सांबा में हो रहा है, कहीं जम्मू प्रॉपर में हो रहा है। तो ये क्या चीज है? क्या यहाँ जो था यहाँ मिलिटेंसी थी वहां वो फूल बरसा रहे हैं क्या? तो यानी मिलिटेंसी ने अपना ग्राउंड शिफ्ट किया है, बीजेपी ने अपनी नाकामी दिखाई है। एसएन सिंह इसका जवाब देंगे। देखिए हमारे मित्र की बात से हम शुरू करते हैं। अभी हमारे मित्र ने साफ तौर पर आपके चैनल पर ही बंटवारे की बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो फायदा जम्मू को होता था वो कश्मीर को होता था। हम इसको समस्या नहीं मानते, हम समाधान मान के चलेंगे, क्योंकि पीडीपी का काम है वो समस्या समस्या और समस्या की बात करना। हम कह रहे हैं किसी को कोई परेशानी नहीं है, जम्मू और कश्मीर अलग अलग नहीं है। जम्मू के लोगों को जो खुशहाली मिली है कश्मीर के लोगों को भी वही खुशहाली मिली। आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी उसी तरह की है, पता नहीं कहाँ से आंकड़ा आप लेकर आए। आपके ही चैनल पर इंडिया न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने किसी महिला से पूछा, वो दिखा रहा था कि नहीं हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम डेली हमारी दुकानें खुली रहती हैं, हम रोजगार करते हैं, अगर बच्चा पढ़ने जाएगा तो चाहे वो जम्मू का बच्चा हो कश्मीर का बच्चा हो, हम तो समग्रता से देखते हैं, हम एक ही बात नहीं करते हैं। आज आप देखिए तीन जातियां दलित गुज्जर और बकरवाल, तीनों जातियों को आरक्षण नहीं मिलता था। उन तीनों जातियों को अगर आरक्षण का लाभ मिला, संविधान का लाभ मिला, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद नहीं देंगी? क्या वो मोदी जी को साधुवाद नहीं देंगी? उस गरीब से पूछिए, जो गरीब 5 लाख रुपए मिल जाने के नाते अगर कोई खतरनाक बीमारी भी है उसका इलाज करा ले रहा है, तो उसको तो नहीं सूझ रहा है कि वो पीडीपी का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको लग रहा है कि नहीं मोदी जी एक ऐसी स्कीम लेकर आए जिसके नाते हम लाइलाज बीमारियों का भी कहीं ना कहीं से इलाज करा लेते हैं। तो ऐसे बदलाव को आपने किस नाते, मैंने कहा पीडीपी समस्या, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात देखिए, दोनों ने कहा पाकिस्तान से जवाब देना चाहूंगा। एक दस सेकंड आप कहते रहिए। देखिए आप दोनों लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहता है, आप भी वही बात कह रहे हैं, कांग्रेस भी वही बात कर रही है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम किसको छोड़ देंगे, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, जो पत्थरबाजी कहते थे। और अभी आपने स्वीकारा कि पत्थरबाजी तो अभी होती है, मतलब पत्थरबाजी लोग खराब होते हैं, तो अगर कोई खराब व्यक्ति है तो उनको छोड़ने की बात क्यों करते हैं? अगर आप मान रहे हैं कि पत्थरबाजी खराब है जो अभी होता है, तो आप लोगों की सरकार आने पर उसको छोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान के नाते ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर भारत की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की जो चुनी हुई सरकार है उस पर दबाव क्यों बनाते हैं कि अलगाववादियों से बात करिए?
तीसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस के मित्र भी यहाँ पे हैं, बोलने के लिए आप समय देंगे। बदलाव तो इतना हुआ है क्योंकि वो विरोधी पार्टी है तो हमारी बात को नहीं मानेंगे। एक घंटे भी आप डिबेट करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी का जिस तरह से फोटो वहां पे आया, आइसक्रीम खाते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, सैर सपाटा करते हुए, क्या कांग्रेस के पास कभी इस तरह का फोटो है? क्या हमारे पीडीपी के मित्र बताएंगे कि भारत का तिरंगा ध्वज, भारत में चूंकि जितने लोग रहते हैं भारत के तिरंगा ध्वज से प्यार करते हैं, उस तरह से भारत का? आपने इतनी सारी बातें गिनाई है, एक सवाल मेरे पास है आपके लिए एस एन सिंह साहब।